खुश हैं, ठीक ठाक हैं, हैप्पी लाइफ गुजर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, यहाँ भी रहें, खुश रहें, अपनों के साथ खुशियाँ बांटा करें, दुख दर्द में ठीक हुआ करें। तो व्यूअर्स, आज का जो ब्लॉग है इसमें हम अपने खेतों में निकले हुए हैं। आज हम आपको अपनी गंदम दिखाएंगे और गंदम का जो पौधा है वो कैसे बनता है और उसके ऊपर गंदम कैसे लगती है, गंदम के दाने कैसे बनते हैं, आज की जो है कंप्लीट वीडियो इसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है हमारा गंदम का खेत है और ये इसमें गंदम लगी हुई है और गंदम जो है माशाल्लाह से सिट्टे पे आ चुकी है। ये वाला जो है इसका सिट्टा बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, सिट्टा इस तरह का होता है। सबसे पहले हम गंदम का बीज बोते हैं, इस तरह का पौधा बनता है और इस तरह के पत्ते निकलते हैं। पत्ते निकलने के बाद इस तरह का इसमें से सिट्टा निकलता है और इस सिट्टे में जो है वो दाना बनता है। जब दाना खुश्क हो जाता है तब गंदम की जो कटाई है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जो है सारी सरसब्ज है, ग्रीनी ग्रीनी हर साइड पे आपको नज़र आ रही है। तो जैसे ही थोड़ी धूप और लगेंगी और थोड़ा टाइम और गुजरेगा तो गंदम जो है वो खुश्क हो जाएगी, इसके सिट्टे में दाना बढ़ जाएगा और दाना बड़ा हो जाएगा। फिर जो है गंदम जो है हमारी वो जब खुश्क हो जाएगी, दाना अच्छी तरह से बन जाएगा, तो फिर इसकी जो है गंदम की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इस सिट्टे में से जो है वो थ्रेशर के ज़रिए पहले इसको हार्वेस्टर के ज़रिए काटते हैं या रीपर के ज़रिए काटते हैं, फिर इसमें से थ्रेशर चला के इसमें से जो दाना बनता है उससे दाना होता है उसको निकालते हैं, वो गंदम के दाने होते हैं और उससे आटा बनता है, फिर उसकी रोटियां बनती हैं। आगे वाले प्रोसेस का तो आपको फिर हम खा लेते हैं, फिर हम खाते हैं। तो ये देखें सरसब्ज खेत है हमारा, बहुत ज़्यादा आगे तक मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इस तरह गंदम में चलने से जो गंदम के मतलब डालियाँ हैं वो नीचे को गिर जाती हैं और इससे गंदम का जो है वो नुकसान होता है। तो इसलिए क्लोजली जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जो है सारा खेत यहाँ से खड़े हुए दूसरी साइड पे जो है दूर दूर तक जो है गंदम नज़र आ रही है और गंदम का खेत जो है वो माशाल्लाह से आप लोगों के सामने है गंदम सिट्टे पे। तो माशाल्लाह से जो सिट्टे हैं वो अच्छे बने हुए हैं। जो हमारा खेत है इसमें जो है ना गंदम के सिट्टे बन चुके हैं और अभी जो आप इस साइड पे देख रहे हैं ये हमारा थोड़ा अभी लो पे है, इससे पीछे है, इसके ऊपर जो है वो सिट्टे अभी तक नहीं बने हैं। तो ये छोटी छोटी कनक है, ये छोटी छोटी गंदम है और ये देखिए आप देख रहे हैं कि उसमें तो मैं खड़ी मतलब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, तो ये अभी मेरे यहाँ तक आती है घुटनों तक। तो अभी इसमें सिट्टा नहीं बना है, ये बिल्कुल वैसे ही है, अभी ये छोटी है।
ये छोटी रह गई है अभी, और वो जो है वो माशाल्लाह से तैयार होने पे है, उसके सिट्टे बन चुके हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो जो है, हमारी खेत की वीडियो, हमारी गंदम जो है वो कैसी लग रही होती है, वीडियो में हमें ज़रूर बताया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो इसके साथ जो है ये गंदम हमारी जो छोटी है, इसके साथ हमने सरसों लगाई हुई है जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो तब जो है ना इसके बहुत ज़्यादा फूल थे, तब इसके बीज जो है ना इसकी ये फली टाइप बने हुए हैं, ये नज़र नहीं आ रही थी। तो अब जो आहिस्ता आहिस्ता से जो इसके फूल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो इसके नीचे फली है वो पकती जा रही है। इसकी भी जैसे गंदम की तरह ही है, जब फली पक जाएगी तो फिर इसके ऊपर जो है इसके अंदर दाना बनेगा, और दाने पकेंगे तो इससे जो है वो सरसों निकल आएगी। सरसों का फिर हम तेल बनाते हैं, तो जो तेल है वो माशाल्लाह से आप लोगों को पता ही है कि कितने काम की चीज़ है और कितना मतलब हमारी लाइफ में यूज़ होता है। तो ये सारा जो है हमारा खेत सरसों का है, तो सारा माशाल्लाह से मतलब फूल पे आ चुका है, फूल ख़त्म होने वाले हैं अब, तो बीज पे आ चुका है। ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वो सिट्टे के बगैर गंदम थी और ये वाली जो है ये सिट्टे वाली गंदम है, तो ये ऐसे इसके ऊपर सिट्टा बनता है। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ साथ ही एक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।